धन की तंगी, माँ के दोनों घुटने बेकार हो गए हैं, कैल्शियम की दिक्कत डॉक्टर ने बदलने के लिए कहा है, भाई को 5% अभी भी कैंसर का रोग बना हुआ है, दर्द बना हुआ है जो आराम लगेगा। सबसे लास्ट में प्रवीण बैठे हुए हैं, हाँ तुम ही आ जाओ, दौड़ के आ जाओ, प्रवीण है ना नाम, अरे हाथ उठाओ, प्रवीण हो, हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ दिखा रहा हूँ, हमें तो दिखाने दोनों हाथ तंगे, प्रवीण हो, लास्ट में बैठे थे ना, बहुत बढ़िया। साधु जी, ओ साधु जी, ओ साधु जी, चलो सीताराम माइक लो जी, नजदीक आओ जी, और नजदीक आओ। कहाँ से आए हो तुम? फर्रुखाबाद से आए हैं साहब। फर्रुखाबाद, आपने अपना नाम या समस्या लिखवाई थी क्या? जी मैंने यूट्यूब पे आपका नाम सुन रहे थे, भैया का कैंसर का ऑपरेशन हुआ है जी, तो आपका नाम सुन के हमारी दीदी हैं, उन्होंने कहा बागेश्वर धाम वाले बाबा जी को याद कर लो, हाँ। तो मैं दिल से रोज करता हूँ, हाँ। कर्जे में डूबे हुए हैं पर मैं आपको नहीं भूल रहे हैं महाराज जी को, तो बस दिल से आए हैं, घर से प्रसाद लाए थे वहाँ मंदिर पे चढ़ाया है महाराज। पहली बार आए? जी जी। यहाँ किसी को नाम लिखवाया था क्या? नहीं सर। किसी को समस्या बताई थी? नहीं बताई बाबा। पूछ लो क्या क्या चाहते हो पर्चे में, वो लिखा है महाराज। एक तो भैया सही हो जाए, बहुत परेशान है, हम लोग बहुत पुण्य करते हैं और हवन घर पे करना चाहते हैं, नहीं हो पाता है, कर्जा जितना मेहनत करते हैं कर्जा उतना उतना ही बना रहता है, और महाराज मेरी माता जी के पैर दर्द करते रहते हैं। घर में धन की तंगी, माँ के दोनों घुटने बेकार हो गए हैं, कैल्शियम की दिक्कत डॉक्टर ने बदलने के लिए कहा है, भाई को 5% अभी भी कैंसर का रोग बना हुआ है, दर्द बना हुआ है जो आराम लगेगा, आपका कर्जा व्यापार बढ़ते जाइए, व्यापार के माध्यम से 2024 में चुक जाएगा, आशीर्वाद। बस जी भैया सही हो जाएंगे महाराज जी, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, ऑपरेशन बोला है अस्पताल में ना। हाँ डॉक्टर ही सलाह लीजिए, उन्होंने ऑपरेशन दुआ और दबा दोनों साथ में चलाइए, उन्होंने ऑपरेशन बोला इसका है। जवाब हम मंगल को देंगे, मंगल पेशी में आएंगे महाराज जी, बिल्कुल उनको भी लिवा के आएंगे, सर्दी की वजह से नहीं आए हैं। साधु जी, महाराज जी मंत्र लिख देना घर पे, ले तो हमने लिख दिया, भैया के लिए भी लिख देना जी, जी माता जी बहुत याद हैं आप लोगों को, उनको एक बार ले आना है माता जी को, हाँ ले आएंगे, झाड़ा लगेगा जी जी, अगले मंगलवार को ले आएंगे महाराज जी। जी दो बातें जी, एक आपके मकान में देवी माता को स्थान दिया है जी, और एक कमरा का नवीनीकरण किया है, हाँ नई जगह अलग अलग जैसे भाई भाई हुए उसमें रखा है जी, पार्टीशन करके नवीनीकरण करके आपने जो दो अलमारी बनी है जी जी, अलमारी के ऊपर वाली अलमारी में जी सामान रख के और फिर नीचे भगवती को स्थान दिया हुआ है जी जी, ऐसा ही है जी, इसी कमरे में जी एक पुड़िया बंधी रखी है जी, वह पुड़िया मुसलमान द्वारा दी हुई है जी, वो भी घर के उन्नति के लिए दी है जी, और उसमें उर्दू भाषा में कुछ लिखा है जी, तो अगर आपकी श्रद्धा बोले तो रखना, ना बोले तो आप विसर्जित कर सकते हो, उसको क्या करें जी? विसर्जित चढ़ा दें कहीं, आपकी श्रद्धा बोले तो रखना जी, अगर कछु हो रहा हो नहीं जी उसका तो रखना, नहीं 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 तो आपकी हमारे बालाजी के अलावा कुछ नहीं है। जय श्री राम, चलो जय श्री राम। साधु जी, साधु जी, साधु जी।